हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको एक एक्वापोनिक विधि के द्वारा कैसे पौधों को पाला पोसा जाता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ड्रम देख सकते हैं हम यहाँ पर, इसमें कुछ मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये बीच में जाली है, जाली की वजह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। ये यहाँ से पानी लगातार आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर ये पानी नीचे, ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के द्वारा ये पानी इस वाले टप में जाता है और इस टप में आप देख सकते हैं ये हरियाली, मिंट है, पुदीना है और टमाटर के पौधे हैं। इसमें इस टप में पानी आता है, फिर यही पानी घूमकर फिर ये नीचे इस टप में जाता है। इसमें मछलियां हैं, तो मछली के गंध का पानी, और ये मछली के जो गंध का पानी है ये पानी फिर से ये इस वाले टप में जाता है। ये एक टप यहाँ पर और है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल पत्थर ही पत्थर हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वो पानी यहाँ पर आता है, उस पानी से इस टमा, ये देखिए आप टमाटर है और यहाँ पर कोई कुछ पौधे हैं, इनको पोषण मिलता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्वापोनिक विधि, इसको नाम दिया गया है। ये मैंने पहली बार देखा है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने चाहा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखिए इसमें मछलियाँ हैं, देखिए वो सो रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, बिना मिट्टी बिना गोबर, ये देखिए टप में कितना अच्छा पुदीना है। देखिए वो, देखिए टमाटर, ये देखिए पानी। कहा जाता है कि मछली के जो गंध का पानी है ये उस टप में जाता है और उस टप से होकर जो पानी इधर आता है, तो ये जो पौधे हैं इसमें, इस पौधों वाले टप से जो पानी निकल के इसके नीचे जाता है वो मछली के पोषण के लिए अच्छा होता है। और जो इस मछली के पोषण जो होता है, ये वाला जो टप में पानी जिसमें मछली है, यहाँ से ये पानी दोबारा उस टप में जाता है, तो वो पौधों के पोषण के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। सो थैंक यू सो मच। अब देखेंगे इसके बाद आगे क्या है।